असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर पड़ रहा है। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू बहुल इलाकों से लगातार हत्या, आगजनी और लूटपाट की खबरें आ रही हैं। हिंसा के बीच हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जारी हिंसा का सबसे ज्यादा असर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले और उनकी संपत्तियों में आगजनी की खबरें आ रही हैं। हिंदुओं के घरों और मंदिरों को चुन चुन कर उन पर हमला किया जा रहा है। উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে, তার চেম্বারও আমাদের বাসার মধ্যে। এই চেম্বারের মধ্যে ঢুকে আমাদের পুরো ভাইরা চুইরা কিচ্ছু রাখে নাই। আমার কাকাকে খুঁজতেছিল, আমার ভাইকে খুঁজতেছিল, মানে এরা কোথায়। আমার মা বাইরে ছিল, আমার মা শুধু নিরুপায় হয়ে দাঁড়ায় দেখতেছে যে ঘরে ফ্যান বলেন, খাবার জলের জগ বলেন, একটা একটা গ্লাস বলেন, কিচ্ছু রাখে নাই। পিটাই ভাইয়া বলেছে, বাবা যতটুকু পারছে ছবি তুলছে এবং বাবারে মারছে, বাবার গায়ে হাত দিছে। আর আমার ছোট কাকা তো বলাই আছে, আমার ছোট কাকাকে ওরা খুঁজতেছে। মানে আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে। আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাবো, এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব, আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না, আমরাও দেশের নাগরিক না, তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে। আমরা তো স্বাধীনতা ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के बांग्लादेश चैप्टर की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के 39 जिलों में हिंदुओं को बनाया गया निशाना। घरों से लेकर मंदिरों तक में तोड़फोड़, आगजनी और लूट। हिंदू नेताओं की हत्या की गई है और उनके घरों को जलाया गया है। राजनीति से जुड़े हिंदू नेताओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू महिलाओं को अगवा करने की भी खबरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं के हालात पर भारत में भी चिंता जाहिर की जा रही है। धर्म गुरुओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसी संस्थाएं भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रही हैं। साथ ही सरकार से मांग भी कर रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वहाँ की सेना से, इस समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक हिंदू ही हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा अब एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक देश भर में सबसे ज्यादा 7.95% अल्पसंख्यक हिंदू ही हैं। इसके बाद बौद्ध और ईसाई आते हैं। तख्ता पलट के बीच जारी हिंसा के बीच बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय अब स्वदेश लौटने लगे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का असर इनके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश में आईएसआई का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले सुनियोजित और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार का गठन होने जा रहा है। ऐसे में हिंदुओं की सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसका असर आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के संबंधों पर भी दिखाई देगा। वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट का जो मुख्य आर्किटेक्ट
इस्लामिक छात्र शिविर है जो जमाते इस्लामी की छात्र यूनिट है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 सालों में बड़ी तादाद में इस्लामी छात्र शिविर से जुड़े छात्रों ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया और यहीं से शुरू हुआ छात्रों को भड़काने का काम। नतीजा ये हुआ कि आरक्षण के मुद्दे पर जो लोग पिछले 2 महीनों में सड़कों पर उतरे वो यूनिवर्सिटी के छात्र ही थे। इस संगठन के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। साजिश का किरदार नंबर 2 बांग्लादेश का संगठन जमाते इस्लामी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसे मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती है बांग्लादेश के संगठन जमाते इस्लामी को। यह संगठन अभी फुल ऑन एक्टिव है। बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने में सबसे बड़ा रोल जमाते इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामिक छात्र शिविर ने ही निभाया है। आरक्षण के खिलाफ पिछले 2 महीनों से सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र इस्लामिक छात्र संगठन के ही हैं। दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 सालों से बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में इस्लामिक छात्र शिविर के कई कैडर भर्ती हुए हैं। यहीं से विश्वविद्यालय के छात्रों को भड़काने का काम शुरू किया गया। वैसे तो बांग्लादेश के ज्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इस्लामिक छात्र शिविर का दबदबा है, लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी, चटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, इसके अलावा सिलहट यूनिवर्सिटी और राजशाही यूनिवर्सिटी जमाते इस्लामी का गढ़ माना जाता है। यहां आपको जमाते इस्लामी की डिटेल जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में बगावत की आग भड़काने में इस संगठन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता सैयद अबुल आला मौदूदी ने जमाते इस्लामी की स्थापना की थी। इसके अलावा इस्लामी विजय, दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना, इसका मकसद है। शेख हसीना सरकार ने जमाते इस्लामी और इसके संगठन छात्र शिविर पर बैन भी लगा दिया था। ये बैन कट्टर इस्लामिक संगठन होने के आधार पर लगाया गया था और जमाते इस्लामी पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत एक्शन भी हुआ था। इसके अलावा जमात ए इस्लामी पर आरोप है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर यह काम करता है और बांग्लादेश की आजादी के वक्त जमात ए इस्लामी ने पाकिस्तान का साथ दिया था। यही वजह है कि बांग्लादेश की आजादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने जमात ए इस्लामी को बैन कर दिया था, लेकिन तानाशाह जियाउर रहमान ने जमात ए इस्लामी से बैन हटा दिया। साजिश का किरदार नंबर 3 पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI। छात्र राजनीति के अलावा जमात इस्लामी संगठन मदरसों की गतिविधि में भी सक्रिय है। मालदीव की तर्ज पर बांग्लादेश में भी इंडिया आउट अभियान शुरू किया।